हेलो दोस्तों। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर कटिंग मशीन के बारे में और इसका यूज़ करके हम पेपर को कैसे कट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेपर कटिंग मशीन है, आपको दिख रही है जो वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसकी वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जिस पेपर को हमको काटना है साइज़ में, पहले हमको उसको एक साथ एक साइज़ में रखना होता है, एक साइज़ में, और उस पर मार्क करना होता है कि कितनी कितना हमको कट करना है जिससे कि ये एक साइज़ में कटे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मार्क लगा लिया है। अब इसको हम मशीन के अंदर डालेंगे और एक साइज़ में रखेंगे सारे पेपर्स को। जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया है पेपर को रखना एक साइज़ में, आप देख सकते हैं वीडियो में। वैसे तो ये मशीन देखने में बहुत बड़ी मशीन है और ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आपको पेपर को एक साइज़ में कट करना है। तो हमने साइज़ में लगा लिया है पेपर और हम देखेंगे इसकी कटिंग के बारे में कैसे इसको कट करते हैं। तो हम सेट कर रहे हैं पेपर को जिससे पेपर एक साइज़ में ही रहे सारा और कटिंग जो हो एक साइज़ में ही हो। आप देख सकते हैं ये हमने सेट कर लिया है मशीन को। जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर को साइड में रखिए, अब इसकी कटिंग करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा आगे किया, फिर सारे पेपर्स को हमने आगे किया थोड़ा सा। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, इसको नीचे रखते हैं जिससे आप देखिए ये दो पीस में कट गया है और ये पेपर बहुत ही साइज़ में कटा है पेपर अगर आप देखेंगे तो। इसलिए हमने मार्क लगाया था, जहाँ से मार्क लगाया था वहीं से ये पेपर कटा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मशीन का यूज़ हम किसी भी पेज को या किसी भी स्टिकर को काटने एक साइज़ में काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप भी अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ये बहुत ही लो कॉस्ट बिज़नेस है, तो आप ये मशीन करके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में।